वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा काफ़ी एक्साइटिंग कर रहे होंगे। तो हम अपना एक्साइटिंग सा दर्शन करने वाले हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो टेम्परेचर अभी हो रहा -4 डिग्री सेंटीग्रेड और भाई पूछो मत। केदारनाथ के दर्शन हो गए। अंदर का देखो, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है, तो वो मैंने नहीं किया ना मैंने कोशिश करी, क्योंकि मुझे करना भी नहीं है सब गलत चीज़ों को प्रमोट। तो अभी बहुत ही मज़ा, जितने अच्छे से दर्शन हुए ना पूछो मत कितने अच्छे से दर्शन हुए। और ये वाला दर्शन में काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस बार मंदिर के अंदर एंट्री नहीं थी, कोविड चल रहा था, तो कोविड के चलते मंदिर के अंदर एंट्री नहीं थी। बाहर से ही मतलब सीधे द्वार से जो आप देख सकते थे, अंदर एंट्री नहीं थी, तो वो अधूरा दर्शन था। ये वाला जो दर्शन हमारा वो पूरा दर्शन हुआ और अच्छे से बाबा के सामने मत्था टेका, सर नवाया, अच्छे से पूजा हुई, गंगा जल चढ़ाया, मतलब जो भी जल था हमारे पास वो चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, मतलब बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, मज़ा आ गया एकदम। और अब जो सुबह हो रही है ना, तो यहाँ के नज़ारे अद्भुत हैं, जबरदस्त जैसे होते हैं। और ये जो भीड़ दिख रही है पीछे, स्पीचलेस, बहुत ही अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है, मतलब इमोशनल हो गया मैं तो अंदर। देखो, लास्ट टाइम जब आया था उससे बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं यहाँ पे, और ये मंदिर तो कभी चेंज होने आने वाला सदियों तक। और इसके सामने पीछे ये जो आपको पीक्स दिख रहे हैं वो अद्भुत दिख रही हैं, और इस साइड में भी बर्फ़ दिख रही है आपको, जितने भी यहाँ से पीक्स दिखेंगे ना सब पे बर्फ़ दिखेगी। और ये सारे बहुत सारे टेंट लग गए हैं जो कि बरसात के लिए होते हैं। और पहले क्या होता था, ये जो नदी पर पुल था ना वो डायरेक्ट था, तो वो सामने से ही आपको मंदिर दिखाई देता था, वो अभी पुल टूट गया तो रास्ता ऐसे साइड से करके बना दिया गया और यहाँ तक आते हैं। और एक ये नया अपना द्वार बना दिया गया जिस पे एक घंटा लटका हुआ है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और पहले के अगर आप 2-3 साल पहले आए हुए होंगे तो आपको यहाँ सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज दिखेगा। जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो तो हैं, बाकी तो बहुत सारी नई बिल्डिंगें भी खड़ी हो गई हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ सीन है। और मंदिर के पीछे एक छोटा सा मंदिर भी ये दिख रहा है। तो चलो अभी पीछे के साइड में भी चलते हैं और वहां से भी आपको दर्शन करा देते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे ऊपर काल भैरव मंदिर पे, वहां भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है। हमने सुबह सुबह दर्शन कर लिया भगवान केदारनाथ के, और इस बार जो दर्शन हुए ना, सच पूछो तू मतलब अद्भुत दर्शन हुए, इतने अच्छे से दर्शन हुए, इतने अच्छे से मत्था टेका, इतने अच्छे से शिवलिंग को सब प्रसाद चढ़ाया, मतलब पूछो ही मत। और मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं तो अंदर जाता हूँ और देखता हूँ मंदिर को। तो लास्ट टाइम भी जब आया था, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा था ना, मेरे आंखों से आंसू निकल गया था, और इस बार भी मतलब ऐसे ही देख के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम वो जो दिख रहा है राजस्थान हाउस, वहाँ पे हम रुके हुए थे, और ये सारे मंदिर के आगे पीछे कुछ भी नहीं था ना, तो कितना मतलब सुंदर दिखता था मंदिर। नाइट में भी हम यहाँ पे ऐसे टहलते हुए आ जाते थे, और शाम में सुबह में भी निकल के आराम से पूजा वूजा की थी। ये था कि उस बार एंट्री नहीं थी अंदर में, इस बार एंट्री भी हो चुकी है। और वहाँ पे यहाँ का सीन ये है कि बड़े बड़े कमरे होते हैं, बहुत सारे बेड्स होते हैं, तो आपको केवल एक कमरा लेना है तो आपको बहुत लंबा वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा। कमरों के रेंट मतलब समझ लो कि 8,000-9,000 तक भी जाते हैं अगर आपको इंडिविजुअल कमरा लेना है तो, वरना डॉर्मेट्री लेनी पड़ेगी। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं, 5 लोग 6 लोग आ रहे हैं, तब तो ठीक है, आप कमरे ही ले लो, अफोर्ड कर लोगे।
वैसे तो अगर आप दो दिन रुकोगे तो फिर आपको 18-19 हज़ार 20 हज़ार रुपए कमरों पे ही खर्च करना पड़ेगा, या फिर फैमिली आ रही है उसके लिए फिर कमरा ही लेना, डॉर्मेट्री में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे फैमिली के साथ। ये देख रहे हो ये टेंट लगे हुए हैं और इसके ऊपर ना ये बर्फ की एक लेयर जमी हुई है और नीचे भी जो ओस है वो जम के एकदम ऐसे स्नो जैसी हो गई। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर भैरव टेंपल के पास, तो यहाँ से वो केदारनाथ मंदिर दिख रहा है और ये पूरी केदारनाथ वैली है, पूरी वहाँ हेलीकॉप्टर पैड है, हेलीपैड। और ये मेरे पीछे ये है भैरव मंदिर जहाँ अभी बस हम पहुँचने वाले हैं और हम वो हेलीपैड के बगल में इस वाले बिल्डिंग में ठहरे हुए हैं और इतनी ठंडी है ना पूछो मत, बैंड बजे ऊपर तो हवाएं भी चल रही हैं, हाथ वाथ में एकदम फ्रीज होने, इवन बटन भी प्रेस नहीं हो पा रहा है। अभी शनि भगवान के भी दर्शन हो गए और केदारनाथ के भी दर्शन हो गए और मौसम इतनी चिलचिलाते ही मस्त वाली धूप निकल गई है और यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया अभी, सारा सब कुछ चमक रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि पूछो मत कितना अद्भुत नज़ारा है, मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन भाई बाकी चीज़ें भी हैं वो करने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा, जॉब्स हैं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। तो ये केदारनाथ का अपना दर्शन आज कंप्लीट हुआ, अंदर से भगवान के साक्षात दर्शन हो गया और यहाँ पे लगभग 2 बजे के आसपास ना स्नोफॉल का भी फोरकास्ट है, तो हो सकता है कि स्नोफॉल भी हो, तो उतना देर तक तो अभी हम रुक, हमारे पास टाइम नहीं कि हम उतना देर रुक जाए, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो मेरे पीछे ओम वाली मूर्ति है जो नई स्थापित हुई है, पिछली बार आया था उस समय तो नहीं थी, और भाई इसके पीछे का नज़ारा देखो कितना ही जबरदस्त दिख रहा है। वही ऐसा कुछ सीन है केदारनाथ घाटी का और अभी हम नीचे के लिए स्टार्ट कर चुके हैं उतरना, 10:45 हो रहा है और देखो कितना समय लगता है, मुझे तो लगता है कि 4.5 से 5 घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे नीचे उतरना, बाकी तो सब बढ़िया है और बहुत ही अच्छा दर्शन हो। तो आधे रास्ते से ज्यादा आ चुके हैं और 7.5 किलोमीटर लगभग इधर सोन ये गौरीकुंड और इधर 8.5 किलोमीटर केदारनाथ, और अभी रास्ते में उतरते वक्त रास्तों को देख के लग रहा था ना कि भाई साहब हमने कैसे चढ़ाई कर ली, वो भगवान का ही कुछ चमत्कार था जो हमने चढ़ाई पूरी कर ली। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो वो पीछे आपको दिख रहा है वो पुल, उससे होके वैसे आए थे
और अभी इधर से जाएंगे क्योंकि उधर जो है काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, तो रिटर्निंग में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इधर से चलेंगे। और बाकी सब बढ़िया है, थोड़े बहुत बारिश बूंदाबांदी हुई है और मुझे लगता है कि ऊपर में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। और हाँ, टाइम बताना भूल गया मैं, 10:45 पर हमने शुरू किया था और अभी 1:15 हो रहे हैं और उतने में हमने 8.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, तो स्पीड काफ़ी सही चल रही है हमारी। इस स्पीड से चलेंगे तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में और पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। और इस रास्ते पर ना ट्रैफिक भी बहुत कम है और रास्ता भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। लास्ट टाइम जैसे हम आए थे उस टाइम में काफ़ी साफ़ सुथरा रास्ता मिला था, तो ऐसा ही कुछ ऐसा इधर का रास्ता है अभी। और वहाँ हमारा नींबू पानी रेडी हो रहा है। भाई ये सारा ब्रिज ना पैदल पार करना पड़ेगा। अभी गौरीकुंड से सोनप्रयाग आया ना टैक्सी में, तो काफ ने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, उसके बाद तो चला ही नहीं जा रहा भाई, एकदम अकड़ से जा रहा है काफ। अभी थोड़ी दूर चल के आए हैं तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, गर्मी मिल रही उसे, लेकिन बैंड बज गई। तो भाई आज का ब्लॉग ना यहीं ख़त्म करते हैं, और ये सोनप्रयाग पहुंच चुका है तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और आगे जाना है जहाँ पे अपना होटल है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं ना, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं हमारे पास कि इसमें कुछ मैं बोल सकूँ, आपको बता सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।